से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना, कोई रोक तो सकता नहीं आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। और एक इसकी अच्छी बात ये है आइसोमेरिज्म टॉपिक की, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से बनता है और इससे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से बनता है। मतलब आप ना लाइफ में, अगर लाइफ में कह रही हूँ, अगर आप आगे कहीं भी जाते हो और आपका फील्ड केमिस्ट्री होता है, वैसे सब एमबीबीएस को टारगेट कर रहे हैं आई नो, ठीक है, लेकिन अगर मान लो जैसे मैंने केमिस्ट्री से अपनी मास्टर्स किया है, सके कोई अगर केमिस्ट्री की फील्ड में आगे जाता है ना, तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर मैं बोलूंगी हर फील्ड में आपके काम आता है, ठीक है। अगर आप कितने से बड़े अभी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वहां पे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वही मैं बोलूँ, सबसे इजी क्वेश्चन भी बनता है इससे आइसोमेरिज्म से, और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहीं से ही फ्रेम होता है, ठीक है, अगर वो पूछते हैं तो इस टॉपिक से, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ नीट की, तो नीट में सबसे अच्छी बात यह है कि नीट में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है और ना ही आएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है। और जेई एडवांस में, या मैं अगर बात करूँ जेई मेंस में, तो इसका लेवल अच्छा खासा आता है। तो अगर किसी ने क्लासेस कभी ली हो जेई मेंस की आइसोमेरिज्म की, तो वहां देखा होगा टीचर्स ने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए होंगे, क्योंकि आते हैं, ठीक है। बट नीट में ऐसे नहीं आते, नीट में सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है वो कि आप विद इन 20 सेकेंड्स उसको अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। बट जो ये एम्स के क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के थे, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझा दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे हो सकता है कुछ ना कुछ चीजें स्किप कर रहे हो, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। हाँ जी, चलो तो क्या हुआ? नो मैम। हाँ मैम, आ रही है मैम। अच्छा दीपू आ गया क्या? दीपू देख लेना आइसोमेरिज्म वाला असाइनमेंट, ठीक है। चलो तो मैं आपको ना एक एक चीज, मतलब एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ। अगर कहीं भी लग रहा है ना कि ये चीज तो नहीं है आप लोगों के लिए, नोटबुक निकालो और जहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं चैप्टर के कर लो, ठीक है। एकदम आराम से रिलैक्स होके करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 25 ही क्वेश्चन है जिसमें से मोस्टली तो आपने कर लिए हैं। चलो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। मैंने ना ये जान करके एम्स के और AIPMT के क्वेश्चंस क्यों दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं और काफी पूछे जाते हैं, रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। जब आप मेरे क्रैश कोर्स 20 से जो स्टार्ट हो रहा है वो देखेंगे ना, तो मैंने वहां पे पुराने पुराने क्वेश्चंस भी लिए हैं एम्स के, क्योंकि वो वाले रिपीट होते हैं। जैसे ये वाला अगर मैं बोलूँ ना, ये वाला क्वेश्चन ना जेई मेन में आया 2024 में, आप सोच सकते हो बेटा, एम्स 2004 का क्वेश्चन जो जेई मेन 2024 में डाल दिया उन्होंने। तो वही है, कुछ ऐसे पुराने क्वेश्चन भी हैं जो काफी अच्छे हैं करने में, तो वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बच्चे कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि किस किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप पढ़ते हो। फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये बोला जाता है ना कि एक कार्बन पे टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट, है ना, जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। बच्चों यही पढ़ते हो ना, बता देना यही पढ़ रहे हो, ठीक है, कि ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। बेशक ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बराबर हो, मतलब सेम हो, चलेगा, लेकिन एक कार्बन पे दो डिफरेंट होने चाहिए ग्रुप। अगर सेम हो गए ग्रुप तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मेरी इसी एक लाइन से कम तुम्हारे प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है। चले तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस वाले की, इधर देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, सेम है, तो ये क्या नहीं करेगा, जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे भी देखो कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए, सेम हो गए, तो ये भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा मेरे बेटा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक एच है, एक सीएल है, लेकिन इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है, इधर जाओ एक मिनट रुको, यहाँ जाओ सेम, यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ जाओ कार्बन पे मिथाइल, तो यानी कि क्या है, सेम नहीं लगा हुआ कुछ, तो ये भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। तो आपको आंसर आ गया, आई नो आप लोगों का आंसर आ गया, बट ये जरूर देखना आपने भी यही अप्रोच लगाई थी जो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि दिस इज द करेक्ट अप्रोच जो मैं आपको बता दे रही, ठीक है। इसमें क्या करोगे, अब इसमें आओ, ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, कार्बन पे एक एच लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे नीचे आओ कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, देख रहे हो ना कैसे कैसे कर रही हूँ, फिर यहाँ गए कार्बन पे मिथाइल, जबकि यहाँ आए कार्बन पे दो हाइड्रोजन, तो एनवायरमेंट डिफरेंट हो गया,
है ना। तो यानी कि ये वाला जो है कंपाउंड वो जी आई एग्जिबिट करेगा। क्लियर हुआ? जिसने किया था वो ऐसे ही किया था ना, मुझे थम्स अप देते जाओ। यस मैम। बहुत बढ़िया, 18 स्टूडेंट्स हैव जॉइन, ठीक है, ओके। क्लास लीव मत करना रमेश सर, एक सेशन कुछ बात करनी है उनको, ठीक है, तो आप लीव मत करना, अपन ये करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन वाला। देखो ऐसे सिंपल सिंपल आते हैं नीट में, आपको सिंपल बताना है कि भाई आर है। अब ज्यादा दिमाग, देखो अगर किसी ने थोड़ा बहुत पता है ना, वो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट डेफिनेटली कर लेगा कि इजेड सिस्टम हम कहाँ पढ़ते हैं, बताओ इजेड कहाँ पढ़ते हो? हाँ जी बताओ, जहाँ पे सिस ट्रांस वाला फंडा फेल हो जाता है वहां पे हम इजेड पढ़ते हैं। तो कर जाना, इजेड इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें क्या करना है, आरएस निकालना पड़ेगा। तो आरएस के लिए सबसे पहले देखो बात क्या है, अभी जो हमारे सामने कार्बन है वो कायरल है, क्योंकि कायरल होगा तभी आप आरएस निकाल पाओगे। तो यस ये कायरल तो है क्योंकि चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम प्रायोरिटी वाइज इसको नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले ब्रोमीन को मिलेगा ना एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, उसके बाद क्लोरीन को मिलेगा, फिर आपके CH3 मिथाइल को मिलेगा एंड फोर्थ को। और एक चीज ध्यान रखना है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, एक मिनट रुक जाओ, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सबका आर निकल रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को जो जो बातें बता रही हो ना सुनते जाओ, ठीक है। बेस्ट होना चाहिए ना मैम, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी एट डैश पोजीशन। तो यहाँ पे अपना डैश पे है तो कोई फंडा नहीं है, अगर डैश पे नहीं हो के वेज पे होता तो आप आर है तो एस कर देते, एस है तो आर कर देते। तीसरी चीज होती है, अगर मान लो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में होता तो उसके लिए क्या करेंगे, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले आप देख लो, अगर क्लॉकवाइज है ये, ठीक है, यहां से जाओगे आप 1 2 2, देखो इधर 1 2 2 3, तो क्लॉकवाइज आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर इज योर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है जी। चलो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो आप दो तरीके के आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में आप वो सारे पढ़ते हो है ना, चेन पोजीशन, फंक्शनल रिंग चेन, टोटो, ये सब, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपन क्या पढ़ते हैं, चेन आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे करोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक तीन क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अपना करेक्ट कौन, अगर यही एक कायरल कार्बन होता तो चीजें बहुत हमारे लिए सिंपल थी, बट अभी यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन आइटम है। अगर मैं आपको बता पाऊँ ये भी कायरल है बेटा, अरे ये क्या हो रहा है, ये भी कायरल, देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो कायरल, देखो दो से ज्यादा नीट में नहीं आता तो इतनी तुम टेंशन मत लेना, अरे मैम पता नहीं क्या ही क्वेश्चन दे देंगे, सिंपल क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पड़े हुए में से आएगा, ठीक है। अगर दो कायरल कार्बन है तो उसका कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। देखो एक तुम्हें मैं इसमें ना हिंट देना चाहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए ना, तुम पहले ना ये चेक कर लो क्या ये मीजो कंपाउंड तो नहीं है, नहीं मैम प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। देखो मीजो कंपाउंड क्या होता है, जिसके पास दो कायरल कार्बन हो एज वेल एज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो तब आप कहोगे कि वो मीजो है। अब इसमें दो कायरल कार्बन तो है लेकिन POS एब्सेंट है, राइट। अब POS नहीं है तो वी कांट से दिस इज मीजो कंपाउंड। बेटा ध्यान रखना, अगर मान लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, एक बार देखना इधर, किसने हैंड रेस किया है क्या? अच्छा इन्होंने तो बधाई अलग रखा है, चलो मैं कोई नहीं दूसरा एग्जांपल ले ही लेती हूँ फिर। ये देखो अगर मान लो तुम्हारे पास ये होता, ये तो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है ना मीजो है, साफ साफ पता चल रहा है। अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा देती, मान लो इसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन ना पूछती, मैं आपसे ये पूछती भाई बता दो कि ये मीजो कंपाउंड है या नहीं, ये वाला है ना, तो तुम इसको देख के घबरा जाते, मैम CH3 यहाँ है, OH यहाँ है, H यहाँ, अब हम क्या करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन को इस तरीके से ट्विस्ट कर देती, इस तरीके से चेंज कर देती कि आपको मुझे बताना है कि ये कंपाउंड जो है मीजो है या नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये मीजो होता तो इसको ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही पिक्चर रहती है ना कि हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए और हम फटाक से आंसर देते कि दिस इज मीजो कंपाउंड, मानते हो ना,
बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है बेटा, कॉन्फिगरेशन निकाल के देखा करो। अगर मीजो है ना बेटा, तो दोनों कायरल कार्बन पे अपोजिट कॉन्फिगरेशन आने वाली है। अगर एक आर है तो दूसरी एस आएगी, अगर एक एस है तो दूसरी आर आएगी। मैं सेम बात कर रही हूँ, सेम मॉलिक्यूल। अगर दो डिफरेंट आ रही है, दो डिफरेंट आ रही है, तो वो क्या होगा आपका, मीजो होगा। अगर दो सेम आ रही है तो उस केस में वो मीजो नहीं होगा। ये बात लिख लेना, मैंने शायद आपको पहले भी बताई थी जब कभी मैं क्या करा रही थी, शायद पेपर सॉल्व करा रही थी वहां पे। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात अलग, लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कर दू इरेज, दोबारा पूछना है क्या बोल गई मैं, बताओ। तनिषा, हाँ मैम। दीपू, दीपू फिर से बताइए सेकंड वाला। देखो इधर देखो दीपू, अगर मान लो तुम्हारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तुम एक काम करना क्लास के बाद, नहीं तो अभी मुझे ना इस वाले कार्बन की और इस वाले कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखा दो कि ये आर है या एस है। एक तो ये वाला, एक आर वाला। एक काम करो, सारे ही निकालो, दीपू के निकाले, सभी निकालो। गुड आफ्टरनून, ये आपको बताना है कि आर होगा या एस होगा, दोनों आपको बताना बेटा। एक बार बताना मेरे को करके, दोनों मेरे को बताना क्या निकल के आ रहा है। आता है ना निकालने, निकालो फिर मैं आगे कराऊंगी। आर एस निकालने तो आता है ना बेटा। हाँ मैम निकाल रहा हूँ। निकालो, सारे निकालो। अर्पिता भी आ गई है, अर्पिता तुम भी निकालो। रुचि, नीलम, तनिषा, मैम निकालिए। क्या आ रहा है, फर्स्ट आर और सेकंड एस आ रहा है क्या? ठीक है, तो मैं नहीं निकाल रही हूँ, फर्स्ट आर आ रहा है और सेकंड एस, तो ये बात हो गई ना, अभी मैंने बोला। और हमें पता है ये मीजो है, तो जब भी आपका कंपाउंड मीजो होगा ना बच्चे, तो अगर मान लो आपको ऐसे करके घुमा के दे दे, ठीक है, आपको पता ही नहीं मीजो है, तो आप कॉन्फिगरेशन निकाल लो। अगर दो कायरल कार्बन पे इस तरीके से डिफरेंट कॉन्फिगरेशन आ रही है, तो वो आपका मीजो कंपाउंड रहेगा। ये तुम्हारे लिए एक हिंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि मैम 90 डिग्री इन प्लेन रोटेशन कर लेंगे, 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेशन कर लेंगे, ये वो नहीं करना नीट में, वो हमें एडवांस में चाहिए होता है, एंड हमें नीट क्रैक करना है, वो इतने से आपका चल जाएगा काम, ठीक है जी, वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा अलग से बात। अगर मैं आऊं इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में तो तुम्हें सिंपल एक चीज पूछी है कि भैया करेक्ट कॉन्फिगरेशन बता दो, ठीक है। अगर किसी को नहीं निकालने आती, अगर कोई मेरे सामने नहीं बोल रहा है, वैसे बोलना चाहिए, मान लो नहीं बोल रहा है, तो मैं सिखा देती हूँ, इधर आओ, ठीक है। देखो सबसे पहले ना इसको नंबर वन दे देती हूँ, इसको नंबर टू दे देती हूँ। तो नंबर वन वाले पे निकालते हैं। देखो इस वाले कार्बन पे एक सी एस थ्री अटैच है, एक एच अटैच है, एक ओ एच अटैच है बेटा, और एक ये पूरा ग्रुप सबको दिख रहा है, नीलम, तनिषा, अर्पिता, रुचि, ठीक है, और सी एस थ्री है ना, ये अटैच है, ग्रेट, ठीक है। चलो अब निकालते हैं मतलब। अब देखो नंबरिंग कैसे करूंगी, प्रायोरिटी मैं ऑक्सीजन को दूंगी, क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है, एंड इसको फोर्थ नंबर मिलने वाला है, सेकंड इसको मिलने वाला है, एंड थर्ड इसको मिलने वाला है। अब देखो वन टू टू जाओ भाई, वन टू 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 थ्री क्लॉकवाइज है, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, लेकिन 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 जो एच है वो हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, एच शुड बी एट वर्टिकल पोजीशन, तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। समझाई कि नहीं आई, आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यानी कि पहला टू है, तो यहाँ पे इन्होंने ना टू और थ्री दिया हुआ, तो अपन भी वही दे लेते हैं ना, कंफ्यूज क्यों करना खुद को। ये लो इसको टू दे देते हैं, इसको थ्री दे देते हैं, तो टू वाला हमारा एस हो गया, तो यानी कि ये हटा दो, फिर हट गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, कैसे करेंगे नंबरिंग, देखो एच ओ एच सी एस थ्री, और ये पूरा ग्रुप को मैं ग्रुप लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सेकेंड नंबर इसको मिलने वाला है, तो वन टू थ्री फोर, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एस जो आपका एच है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वो आपका क्या है बेटा, वर्टिकल पोजीशन पे है, तो सेम ही रहेगी, दैट इज करेक्ट, सेम रहेगी, ठीक है, हो गया। यस मैम। हाँ मैम। चल ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, मीजोफॉर्म बतानी है भाई। मीजो के लिए मैंने बता दिया, कब बोलोगे कि मीजोफॉर्म है, पहली चीज दो कंडीशन चेक करनी है आपको, लिखो अपने नोट। हाँ निगम, प्लेन ऑफ सिमेट्री, चार होगा ना, जो क्या चार होगा,
थर्ड पे चार क्या हो गया मैम? जो अभी आपने फोर्थ वाला कराया जो नीचे थर्ड पे पॉइंट पे निकाला है उसका तो मैं मारूंगा ना। आर कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना? यस मैम। फिर आर कैसे हो गया? पता चल गई गलती? अरे हाँ ना, मैं तो बोलो ना, मैं आगे भी चलना है फिर मेरे को। ओके ठीक है, ओके नहीं बोलना, ठीक है, एस एस होगा, ठीक है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, एस होगा, क्लॉकवाइज होता तो आर होता, ठीक है, चलो। नहीं ये नहीं मनीषा, ये नहीं। देखो बीजो में सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास दो कायरल कार्बन तो होने चाहिए, एटलीस्ट टू कायरल कार्बन, ठीक है। दूसरा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, तब आप बोलोगे कि वो आपका मीजोफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, बताओ, कुछ लग रहा है पता? मैम बी है। देखो वैसे हाँ बी दिख रहा है सामने से ही। देखो अब मीजोफॉर्म है, पहले तो दो, ये दोनों ही कायरल कार्बन है, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है दो कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, ये मीजो है। ये देखो इसमें नहीं बोल सकते, देखो आप CH3 और एक C2H5 प्लेन में आएगा, ये कभी भी मीजो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ऑल्दो इट कंटेन्स टू कायरल कार्बन। समझ में आई? बताओ। एंड यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी दो कायरल कार्बन है लेकिन प्लेन पास नहीं होने वाला है। और यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे भी वही सीन होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो पहली बात है एक ही कायरल कार्बन है, ठीक है, उसको तो कैसे बोलोगे मीजो। अगर एक लिख लो कहीं पे, अगर एक कायरल कार्बन है किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल में, तो वो हमेशा ऑप्टिकली, बोलो जल्दी, एक्टिव होगा, एक्टिव होता है, ठीक है। तो पांच क्वेश्चन डन, आगे चलूं? चलो हाँ, इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, इसके लिए मैं एक तुम्हें तरीका बताती हूँ कैसे करना है सोल्व, ठीक है। ओके सेम वही करेंगे। देखो अब तुम्हें ना एल सीरीन बताना है, तुम्हें ये तो मालूम पड़ गया कि ये क्या है, आपका अमाइनो एसिड है। आपने कभी ये चीज पढ़ी है बेटा कि जो मोस्टली अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और एक सिस्टीन, उसका आर कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर ये कहीं पढ़ा है तो हो सकता है कर दिया हो ये क्वेश्चन, अगर नहीं पढ़ा तो आज मेरी एक ये बात लिख लो कि जो मोस्टली अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे, स्पेशली जो नेचुरली अक्रिंग अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है बेटा? एस कॉन्फ़िगरेशन होती है, लिख लो, काम आएगा, ठीक है। पहली चीज, पहली चीज। दूसरी चीज, एल सीरीन का मतलब क्या है? आपने ये डी एल वहां पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में, पढ़ा था, याद आ रहा है? आप वहां पे क्या बोलते थे, डी में और एल में आप कैसे डिस्टिंग्विश करते थे? बेटा एक चीज और, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल आपका डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी नहीं है, नहीं आता है। स्मॉल डी स्मॉल एल रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो एंड लीवो, बट कैपिटल डी एंड कैपिटल एल रिप्रेजेंट रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, डी में आप बोलते हो अगर जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है उसमें अगर OH आपका राइट हैंड साइड है तो वो आपका डी हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका एल हो जाएगा, ठीक है। सेम अमाइनो एसिड्स में भी यही होता है कि अगर NH2 आपका राइट हैंड साइड है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड है तो एल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको ये नहीं देखे, मैम यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड है, चलो लगा दिया, ऐसे तो यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे वो क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना इसका फंडा है कि मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप जो होना चाहिए वो शुड बी एट वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये CH2OH ना यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन वो यहाँ पे है, समझ पा रहे हो? COH यहाँ होना चाहिए था, है ना, और ऐसे ही यहाँ पे देखो COH क्या होना चाहिए था, इन दोनों की पोजिशन में चेंज होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या करें, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लेंगे। लिखो अपनी नोटबुक में, जब भी ऐसा लिखो लिखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में जहां पे हम फंस जाएं, भाई समझ में ना आए कि कैसे पता लगाएं कि एल्सिरीन कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। अगर एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ
तो वो क्या हुआ आपका, एल्सिरीन वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो करो इसको, निकालो कौन सा ऐसा आ रहा है। मैम इसमें आपने भी क्या बताया था कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है वो वर्टिकल होना चाहिए। देखो जो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप होता है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ सी एच और सी ओ एच में से, यही वाला है ना ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, तो वो वर्टिकल पे होना चाहिए, टॉप पे, टॉप पे। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें तो ये है, लेकिन ये वाला देखो हॉरिजॉन्टल पे, इसको यहाँ पे होना चाहिए था कायदे से। ठीक है, ऐसे देखो सी ओ एच भी अपनी जगह पे, बट सी एस टू ओ एच को यहाँ पे होना चाहिए था कायदे से। यहाँ पे देखो सी ओ एच को यहाँ होना चाहिए था सी एस टू ओ एच वाली जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो पोजीशन बदली हुई। अब हमें इतना दिमाग में रूल नहीं पता, क्योंकि मैंने तो सच बताओ नहीं सिखाया बच्चों को कि 90 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेशन करो ये वैलिड होती है, ये मैंने नहीं सिखाया। सिंपल यहाँ पे आप निकाल लो कि एस कौन सी है, जो एस निकल गई वही तुम्हारा एल्सिरीन होगा, क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग होते हैं अमाइनो एसिड्स वो एल होते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि डी नहीं होते, बट मोस्टली नेचुरली एल होते हैं, तो जो एस होगा वही तुम्हारा एल्सिरीन होगा। फटाफट निकालो कि एस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। मैम थर्ड। मैम मेरा फर्स्ट भी आ रहा था, फर्स्ट थर्ड दोनों। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ तुम सबको, इसका आंसर क्या है ये भी बता देना मेरे को, शायद थर्ड है ना। हाँ देखो, सबसे पहले मैं इसकी बात करती हूँ, इधर आओ। तो यहाँ पे नंबरिंग किसको दूंगी मैं, पहले NH2 को दूंगी क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, उसके बाद CH2OH को दूं या COH को दूं? COH। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा CH2OH। फोर, ये तो R आ रहा है बेटा। यस मैम। S क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ऐसी अगर मैं इसका निकाल कर देखू, 1 2 3 4, तो ये तो जा रहा क्लॉकवाइज है, लेकिन H हमारा वर्टिकल पे होना चाहिए, तो ये S आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? थर्ड आएगा। एक बार आप बाकी के भी निकाल के देख लो, इन दोनों के R आ रहे होंगे, निकाल के देखो, चेक करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लो, कर लेना, क्योंकि एम्स में आया हुआ तो हो सकता है दे दे पेपर में, और दे देगा तो हमें पता होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो चलूं आगे, मुझे बता दो अगर अभी भी डाउट लग रहा है तो इसमें। मैम एक और चीज आ रही हूँ बेटा, अगर तुम्हें चाह रहे हो, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन देख के कि अगर मुझे और क्वेश्चन मिल जाए या मुझे कॉन्सेप्ट्स मिल जाए समझने के लिए, तो आपको मैं अपनी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वहां पे सारा ही कराया हुआ है, ये वाली चीजें मैंने वहां पे भी बोली हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ अनुष्वा बोलो। आपने जो फर्स्ट में जो लाइन बोली थी, ऑलमोस्ट ऑल अमाइनो एसिड शो एस कॉन्फिगरेशन, उनमें जो एक्सेप्शन दोनों बताए वो एक बार बता दीजिए। देखो जो आपके नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होती है ना, जो आप पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर में, हाँ वो एस कॉन्फिगरेशन होती है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा एक्सेप्ट लिख लो, पहले लिख लो एस कॉन्फिगरेशन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्लाइसिन एंड सिस्टीन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। ओके मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिस्टीन में क्या होता है ना बच्चे, सल्फर वाला ग्रुप आ जाता है, तो हम उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, क्योंकि सल्फर का ज्यादा होता है ना एटॉमिक नंबर उससे, नाइट्रोजन से। हाँ। ठीक है, और ग्लाइसिन में क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, चलो आगे, चलो अब ये तुम करो सेवंथ वाला, इनमें से कौन सा कायरल नहीं है बेटा। मैम लास्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला ऑप्शन एक बार चेक करना। करती हूँ बेटा, आ जाओ। फर्स्ट आपने किसको दिया, इसको, सेकंड इसको दिया, और थर्ड किसको दिया आपने, इसको दिया, और फोर्थ इसको दिया। 1 2 3 ऐसा आ रहा है ना, क्या नाम है उसको, अर्पिता है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, क्योंकि आपको 1 से 2 से फिर 3 पे जाना है, लेकिन एच हमारा हॉरिजॉन्टल पे है ना, एंड ये आर बन जाएगा, आर बन जाएगा बेटा, मैंने उल्टा घुमा दिया था गलती से। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना डायरेक्शन कैसे करोगे, 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, पता चले 1 से 4 पे पहुंच गए, 1 से 3 पे देख रहे हो, नहीं 1 2 3 पे। ठीक है, जैसे काउंटिंग सीखते थे बचपन में। चलो ये वाला आ जाओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, कायरल चेक करना है अच्छे से करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं पेपर में, करो एक बार सोल्व। सी वाला है क्या? यस मैम। एक काम करते हैं, चलो सी तो वैसे इसका आंसर ही आ गया, बाकी भी चेक कर सकते हो आप एक बार, ठीक है। ये क्या है? टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, देखो ये कायरल है ना, चारों ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही टू थ्री डाइब्रोमोपेंटेन ये भी कायरल आएगा, एंड टू ब्यूटेनोल ये भी क्या आएगा, कायरल आएगा, ये वाला ए कायरल होगा। ये वाला हो गया था सबसे, अगर किसी ने असाइनमेंट सोल्व किया था बेटा। यस मैम। चलो कर लोगे, मतलब ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा बेटा, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, हैज अ कायरल सेंटर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड्स आर कॉन्फिगरेशन, आर कॉन्फिगरेशन निकालो, आर कौन सी आ रही है अपनी, सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा ये कैसे आ रहा है, ये तो वो आ रहा है ना अपना एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो ये तो सिंपल है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा आर, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर, लेकिन आपको चेक कर लेना, अगर एच आपका हॉरिजॉन्टल पे है तो फिर चेंज कर देना, अगर वर्टिकल पे है तो नहीं कहना उसको कुछ भी। चलो हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव, तो यहाँ पे देखो कैसे करना था इसको, देखो इसको मैं इंटेंशनली ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, हो सकता है पेपर में आपको ना। हाँ जी बोलो, पहला वाला चेक कीजिए थोड़ा, क्या हुआ बेटा, आठवें का पहला वाला ऑप्शन देखिए। अच्छा मैं देखूं, तुमने नहीं देखा, इधर देखो, वन टू थ्री आर है लेकिन एच हॉरिजॉन्टल पे, तो ऐसा आएगा ना। ठीक है आंटी। अच्छा देखो बेटा, अब इसमें ना स्टीरियो आइसोमर भेजा, मैं आपको ना क्लास के बाद में कुछ कुछ चीजें भी यहाँ पे बताऊंगी, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना आज क्लास के बाद। देखो अब यहाँ पे ना हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये जी आई एग्जिबिट करेगा पहली चीज, दूसरा ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है ना, तो ये अपना वो भी दिखाएगा, क्या ये भी स्टीरियो आइसोमर दिखाएगा। तो ऐसे वाले केस में आपको क्या करना है, जिसमें वैसे ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं तो घबराना मत, अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा सिंपल सा। अगर बेटा यहाँ पे आपको चेक करना है n की वैल्यू, n कौन कौन सा, एक तो जी आई एग्जिबिट कर रहा है और एक कायरल, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टू टू है, देखो ध्यान से, और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिकल मतलब समझ गए, सिमेट्री नहीं है कहीं पे भी, दिख रही है क्या कहीं पे सिमेट्री तुम्हें, नहीं, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकाल के आओगे, यस आंसर सही बोल रहे हो, वो क्या होगा तुम्हारा, टू की पावर n, और सच बताऊं सिमेट्री वाले आपसे पूछे भी नहीं जाते हैं, तो टू की पावर टू, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा फोर, बस ठीक है बात। हाँ जी, तो स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं ना, बना के कर सकते हो, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड दे दिया तो वहां पे स्ट्रक्चर बनाने में आपका बहुत टाइम चला जाएगा। Yes, क्या, क्योंकि इसमें भी आप फिर चेक करोगे ना बना के, कि उसका प्लस माइनस बनाओगे, उसकी मिरर इमेज बनाओगे, फिर देखोगे, क्योंकि इसका आपने ऐसे किया होगा, इसके दो बनेंगे सिस और ट्रांस, और इसका प्लस माइनस बनेगा चार, करना है तो फिर ऐसे करो। समझे सारे, समझे क्या मैम, अगर आपने बोला अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता तो क्या होता फिर, सिमेट्री होता तो उसके लिए फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता, वो मैं आपको लास्ट में एक टेबल पकड़ा दूंगी, उसमें से देखना, ठीक है, ओके मैम, ठीक है, लास्ट में मैं आप सबको एक टेबल दूंगी, समरी टेबल करके है वो, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब होंगे, ठीक है। चलो ये वाला करो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस वाला, करो बी है मैम, ठीक है, इसका तो बी है, ये तो सिंपल सा था, ट्यूबुटीन, ठीक है, आ गया हो, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव
कैसे पता लगाएंगे? दिख रहा है सामने से ही दिख रहा होगा बी। कैसे बी? दो काइडल कार्बन है। देखो यहाँ पे तो काइरल कार्बन देखो नहीं है, हालांकि तुम बोलोगे इस कार्बन पे क्या है, एक एच है एक ओ एच है, लेकिन ये देखो सिमेट्रिकल है ना सिस्टम, काइरल नहीं है ये, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो चेक करो, यहाँ पे है एक दो तीन चार, चार डिफरेंट ग्रुप है एक ऐसी, तो यहाँ पे ये दोनों ही काइरल कार्बन है, ठीक है, और सिमेट्री भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर मान लो सिमेट्री होता तो वो मीजो बन जाता फिर, क्लियर ना। और यहाँ पे कहीं पे भी काइरल कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है। इलेवेंथ भी कर लोगे? यस ठीक है। जो मैं असाइनमेंट देती हूँ ना, जो मैं असाइनमेंट देती हूँ प्लीज उसको कर लिया करो, है ना। चलो, इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। थर्ड होगा, सी होगा। देखो आपके सिलेबस में ना एक तो ब्यूटेन वाला एक इथेन वाला है, इनको अच्छे से कर लेना, इनके डाइहेड्रल एंगल है ना ये सब, और एक और है जो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगी जिसमें आपको गोशे फॉर्म ज्यादा स्टेबल बनती है, वो एक कॉन्सेप्ट और है, वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। अभी जो क्लास अटेंड की थी जिसने आइसोमेरिज्म की मेरी, वहां पे बताया था, बट मैं मान के चल रही हूँ कि आपने वो मेरी क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा दो बल्की ग्रुप क्या है 180 डिग्री पे, तो इनमें रिपल्शन कम होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका स्टेगर्ड वाला होगा। अच्छा, मुझे अगर ऑर्डर लगाना है यो स्टेबिलिटी का, तो ब्यूटेन में आपके डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन बनती है, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बनती है, बट हम कुछ तीन चार ही पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे आपकी स्टेबल होती है स्टेगर्ड, उसके बाद आपका बोलो गोशे, उसके बाद आपकी होती है इक्लिप्स्ड, उसके बाद होती है फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये चार फॉर्म बनाते हो ना आप, स्टेगर्ड, गोशे, इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, ये वाला कह रही थी मैं, देखो एक बार बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। अब दिमाग मत लगाना कि मैम OH OH दूर है तो भैया वो ज्यादा स्टेबल होगा, मैच बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अगर यहाँ पे मान लो NH2 होता, फ्लोरीन होता, तो देख लेना उस केस में हमारी जो गोशे वाली फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। बस इससे बाहर नीट में, मतलब इससे और लेवल वो ऊपर नहीं करेगा। और इवन नीट में ही आया था एक क्वेश्चन, जैसे ये AIPMT में 2010 में आया है, एक नीट में आया था, यहाँ पे फ्लोरीन लगा के दिया हुआ था उन्होंने, तो वो ज्यादा स्टेबल थी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बच्चों का गलत हुआ, मैं समझा देती हूँ। फाइंड द स्टीरियो आइसोमर 1-2 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। देखो बेटा मैं बनाती हूँ इसको, कैसे बनाएंगे अपन? मैम इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे ना तुम ये स्ट्रक्चर बना के देखोगे ना मनीषा, तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि अब सिमेट्रिकल आ गया, यहाँ पे मीजो वाली भी बन सकती है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे केस में सबसे पहले तो चेक करो, यहाँ पे हमारे पास दो काइरल कार्बन है, ठीक है, N2 है हमारे पास, ठीक है, और सिमेट्रिकल भी है। तो जब हमारे पास सिमेट्रिकल होगा सिस्टम, तो उस केस में जो स्टीरियो आइसोमेर का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा बताओ? आंसर तो तुम सही बोल रहे हो, फॉर्मूला बताओ मेरे को मैम। 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक है, p माइनस 1, और p क्या होता है अगर n बाई 2, n बाई 2, ठीक है, अगर n इवन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, n इज इक्वल टू 2 है तो p क्या हो जाएगा, 2 बाई 2 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 1, और n 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, ठीक है। n नंबर ऑफ काइरल कार्बन है। हाँ जी, काइरल कार्बन है, और ये किसको दिखाता है, ये आपकी ऑप्टिकली एक्टिव को दिखाता है कि ये वाले दो जो होंगे आपके ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, ये एक तुम्हारा मीजोफॉर्म होगी, ठीक है। एक बार मैं दिखाई देती हूँ आपको, रुको मैं यहाँ पे, ये देखो बेटा एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, आपको दिख रहा है सबको स्क्रीन, ठीक है, ये वो वही है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था। एक बार देखना बेटा, अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं, तो ये देखो ये केस वन मैंने बताया हुआ है, अगर मॉलिक्यूल तुम्हारा अनसिमेट्रिकल है तो उसमें 2 की पावर n टोटल ऑप्टिकली आइसोमर होंगे, और सारे के सारे जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है, क्योंकि मीजो तो होगी नहीं उसमें, है ना, मीजोफॉर्म नहीं होगी, तो मीजोफॉर्म क्या होगी उसमें, 0 होगी। अगर आपको रेसमिक मिक्सचर चेक करना है तो ऑप्टिकली एक्टिव जितने भी आपके जो आया है वो उसको 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख के दिया हुआ है, देखना एक बार,
दो कायरल कार्बन है, कितने बनेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? चार. मीजो जीरो और एरेसमिक मिक्सचर कितने होंगे इसमें? दो. क्लियर है? इतना ही काम का है आपका और इससे ज्यादा काम का नहीं है. दिस इज केस नंबर वन. केस नंबर टू क्या कहता है? इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल. ये थोड़ा कम पूछा जाता है, कम. ठीक है, अगर इसमें से भी एग्जामिनर ने पूछने की कोशिश की तो इवन वाला ही देगा, ओड वाला नहीं देगा. फिर भी हम देख लेते हैं. ठीक है, अगर मॉलिक्यूल तुम्हारा सिमेट्रिकल है तो n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू ओड. ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो कायरल कार्बन है वो इवन है ओड है. अगर इवन है, जो कि पूछा जाता है, तो उस केस में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2^n. अब इसमें दोनों इंक्लूड कर रही हूं मैं, मीजो वाला भी और एक्टिव वाला भी. 2^(n-1) प्लस 2^(p-1) दिख रहा है ना सबको? ये किसको दिखा रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव को दिखा रहा है. ये आपकी मीजोफोम को दिखा रहा है. समझ में आई? यस मैम. हाँ, तो रेशमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा इसमें? रेशमिक मिक्सचर वही हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव वाले जितने भी आएंगे उसको 2 से डिवाइड कर देना. ठीक है, अगर तुम्हारे पास मान लो ओड है तो उस केस में बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. देखो, ऑप्टिकली एक्टिव 2^p-2^p/2, मीजो हो जाएगा 2^p/2. ये जनरली जेई में पूछा जाता है वैसे, फिर भी एक बार रीड कर जाना बस. ठीक है, और टोटल क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर देना. क्या होगा? ऐड होके क्या आ जाएगा? 2^p. ठीक है, पी क्या हो जाएगा? n-1. पी क्या हो जाएगा? मैम, ये रेशमिक मिक्सचर में हमने 2 से को डिवाइड किया है. देखो, ओके, अगर मैं बोलूं, सपोज तुम्हारे पास ये है, ठीक है, रुचि है ना? Yes, अब इसमें तुम्हारे पास एक ही कायरल कार्बन है ना? यस मैम. तो इसकी दो फॉर्म बनेंगे, एक प्लस वाली या स्मॉल डी वाली बोल दो आप, और एक एल वाली, है ना? तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए? दो हो गए ना. लेकिन रेशमिक मिक्सचर तो क्या हुआ? दोनों को मिला के क्या बोलोगे? एक बोलोगे ना. अच्छा मैम, समझे? तो ये मैं बोल रही थी. ठीक है, ओके मैम. ये देखो, ये तुम्हारी टेबल है, ये रामबाण है. इस पूरे बोलते हैं ना, कंक्लूजन है इसका. या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ लेना है कुछ कर लो. ठीक है, ये तुम्हारे काम आएगा. ये मैंने डाल दिया है, कंपाउंड्स हैविंग, ये मेरे नोट्स में ही है. ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग डिसिमिलर एंड्स. ठीक है, डिसिमिलर एंड्स मतलब समझ गए ना, एसिमेट्रिकल. सिमिलर एंड मतलब सिमेट्रिकल. लिख भी सकते हो यहाँ पे विद इवन कायरल सेंटर, और ये है ओड कायरल सेंटर. फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, बाकी आपको देखना है. मैम, पी की वैल्यू अलग अलग होती है दोनों में? हाँ, जब इवन होगा तो n/2 होगा, और ओड होगा तो फिर n-1 हो जाएगा बेटा. ये तो बहुत अजीब है. एक काम करो, अगर ये वाला याद होता है तो ठीक है, वरना ये जरूर करके जाना पेपर में ना, ये मत छोड़ के जाना. ठीक है, वो तो समझ में आ गया पहला वाला तो. हाँ, ये वाला थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चे, जहाँ पे सिमेट्री आ जाती है ना, वहां पे फिर थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने को कि जो कायरल सेंटर है वो इवन है या ओड है. okay. है ना, तभी मैंने यहाँ पे लिख के दिया. थोड़ा रिवाइज कर लेना ना इसको. हाँ बेटा बोलो. मैम, ओड में n-1 होता है या n+1 होता है? n+1/2 उसमें होता है, जब हम उसकी बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात करते हैं ना, सीरियो आइसोमेरिज्म की, उसमें. ठीक है, जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी तो निकालते हैं ना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो उसमें हम p=n+1/2 लेते हैं. ठीक है, ओके. ये एक जो पहले क्वेश्चन था उसमें तो आपने n2 लिया था, ये कायरल कार्बन के बेस पे नहीं लिया था वो शायद. कहाँ पे? कहाँ पे मैम? जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों बने. ये अलग है ना, इधर देखो, यहाँ पे ये आ गया ना, फिर अपने पास दोनों ही आ गए बेटा. इसमें जीआई वाला भी आ गया, और इसमें तो यहाँ पे कितने थे आपके? जीआई वाला n+1 मान लिया मैंने, और यहाँ पे क्या होगा? 1. तो मैंने दोनों का कंसिडर कर लिया. एक तो वो डबल बोन जो जीआई एग्जिबिट कर रहा है, यहाँ पे एन क्या था जो जीआई एग्जिबिट कर रहा है वो, प्लस जो कायरल सेंटर है उसमें वो. ओके मैम, तो n की वैल्यू वो भी हो सकती है ना कि कौन कौन मतलब दिखा रहा है? बिल्कुल. देखो, अब थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर देती हूँ इसमें, एक मिनट रुको. मैम, दो डबल बॉन्ड होते तो फिर क्या होता है? G2 हो जाता. एक मिनट मैं आती हूँ. देखो, आपके पास एक केस होता है जिसमें आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो. ठीक है, यस मैम. उसमें आप अलग अलग केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, एल्कीन में पढ़ते हो, सी डबल बॉन्ड सी में पढ़ते हो, उसमें आपका अलग फॉर्मूला होता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने वो नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, आपको मैं भेज दूंगी, स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, सबके ग्रुप में देख लेना उसको. ठीक है, उसमें अलग फॉर्मूलाइज होंगे. ठीक है, अच्छा, उसमें भी वही होता है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल. एक आपका होता है ये वाला ऑप्टिकल वाला, है ना, जिसमें मैंने ये सारे फॉर्मूले लगाए. एक आपके होते हैं क्वेश्चन जिसमें जीआई वाला भी एग्जिबिट करता है और कायरल सेंटर भी प्रेजेंट होता है.
ठीक है, ऐसे वाले केस में अगर पेपर में आया तो ऐसा आएगा जैसे मैंने यहाँ पे 9 नंबर वाला क्वेश्चन कराया, आपको बस चेक करना है। अगर मान लो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होते रुचि, मतलब 2 yes, ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते जो जीआई एग्जिबिट करते हैं, तो फिर उनका n की वैल्यू 2 प्लस ये कायरल वाला कितने हो जाते, फिर 3 हो जाते, 3 हो जाता है। यस मैम, ठीक है। अगर कायरल सेंटर और होते तो फिर और ले लेते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नीट में इतना जाएगा नहीं, इसलिए कह रही हूँ एक ये कर लेना। मैं आप लोगों को वो भेज दूंगी स्क्रीनशॉट, उस स्निप लेके भेज दूंगी, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं तो कहूंगी कि आप लोगों के पास टाइम है, अब तो जो ग्रेड 12 वाले उनके भी 19 को एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, मेरे कहने पे आप आइसोमेरिज्म एक बार नोट से रिवाइज कर लेना। अगर नोट से नहीं करना है कि वीडियो देख लेना, 1.5x की स्पीड पे रिवाइज हो जाएगा, उससे बाहर तो नहीं जाएगा। yes, चलो sir. मतलब अपने 14 हो गए, चलो 15 पे नजर मारो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर लिया, ये था कर लिया था क्योंकि मैलिक एसिड क्या होता है, ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना उसमें, और हमें तो क्या चाहिए कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव के लिए, तो कायरल कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज ना, तो इसको आप नहीं कंसीडर करोगे। बाकी लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये क्या करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। मैम इन सब के स्ट्रक्चर्स कैसे याद रहेंगे, मैंने तो ये इसलिए कर लिया था क्योंकि कभी PYQs में था तो मुझे याद था कि मैलिक ही है। एक काम करो, क्या नाम है रुचि, आप सिर्फ ना लैक्टिक का कर लो और एक टार्टरिक का कर लो। टार्टरिक का तो ना लग रहा है आपको, ये आप पढ़ते रहते हो, ये टार्टरिक वाला, ये देखो यही होता है टार्टरिक। कोई नहीं, ये दो कर लो आप, ठीक है। एक तो ये वाला कर लो टार्टरिक वाला, और एक लैक्टिक एसिड वाला कर लो। लैक्टिक एसिड का क्या होता है यहाँ पे, बस एक ये कर लो, ठीक है। ओके मैम, हो सकता है मैं आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे हो सकता है ये भी बोले कि मैम ये कैसे आपने बना लिया, ये तो मीजो है, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ऑप्टिकली जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है, तो इधर देखो इसकी दूसरी फॉर्म भी तो हो सकती है ना अपने पास, ठीक है। तो ये मत ज्यादा दिमाग लगाना। चलो उसके बाद है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 16 क्वेश्चन दिया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम ये गलत हो गया था, कोई बात नहीं। इसमें ना मैं एक चीज भी बताना चाहती हूँ, मैं लिख के भी आई थी आप लोगों, सो दैट ना आप लोग कभी क्वेश्चन ही गलत ना करो। एक मिनट दो मिनट है, लिखो एक बार अपनी नोटबुक में कीटो इनोल्ड ऑटोमेरिज्म, लिखो जहां पे मैंने नोट्स बनवाए थे, मैं एक बार लिखवाती हूँ आपको। हाँ चलो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कीटो इनोल वाले क्वेश्चन को, तो मैं बोलूंगी कि इस 2024 में 90% चांसेस है कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से कंपाउंड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सीखा होगा, जहां से भी पढ़ा आप लोगों ने, आप बोलते होगे कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या करता है, माइग्रेशन होता है इसका, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ बना देते हो, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो कीटो एनोल टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, तो ये तो आप पता लगा लोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताना क्या ये कीटो एनोल टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। एक ये है और एक ये। आज की क्लास मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुझे पता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं मालूम होंगे। एक ये है, तो आप मुझे बताओगे दोनों में से कौन एग्जिबिट करेगा, दोनों ही नहीं करेंगे। हम सेकंड वाला तो करेगा, करेगा कहाँ से करेगा, थोड़ा बताओगी बेटा। फर्स्ट कार्बन से तो, हाँ जी डबल बॉन्ड के जस्ट मेटा से, मेटा यहाँ से, ऑर्थो से मम, सॉरी ऑर्थो से यहाँ से। मैम यहाँ पे तो आपने कीटोन और डबल बॉन्ड दोनों डाल दिए हैं, इनॉल में डबल बॉन्ड होता है ना। नहीं, ये मैं भी आपसे ये पूछ रही हूँ, बस तुम्हें ये बताना है कि कीटो एनोल ऑटोमेरिज्म कौन दिखाएगी। मैंने अभी कीटो फॉर्म बनाई है, ठीक है। इसको मैं इरेज करके दूसरी साइड बना देती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है थोड़ा, एक मिनट रुको। तब तक अगर डबल बॉन्ड नीचे आएगा तो फिर दो दो डबल बॉन्ड कैसे हो सकते साथ में, ये देखो ठीक नहीं है। मैम पैरा वाले से रेजोनेंस करा के फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये देखो पहले तो अपने ये देखते हैं, ये वाला तो नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा,
गेटिंग माई पॉइंट? तो ये केटोइनोल नहीं दिखाएगा. अगर मैं बात करूंगी सेकंड वाले, अर्पिता ने पकड़ लिया, अर्पिता ने मतलब पढ़ लिया ये कॉन्सेप्ट. देखो मैंने आपको बोला कि कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. आप मुझे बोलोगे मैम यहाँ पे हाइड्रोजन तो है क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो कि एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन ये नहीं करेगा. मैं ये भी एक चीज ध्यान रखना, कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है. लेकिन इसमें क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये पार्टिसिपेट कर जाता है, देख पा रहे हो? और इससे हमें देखो कैसी फॉर्म मिल रही है, एरोमेटिक बन रहा है. ये तो बहुत जल्दी जाएगा. ये जो कीटो फॉर्म था बेटा और जो ये इनोल फॉर्म था, यानी कि जो इनोल कंटेंट है इस केस में बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम ही एग्जिस्ट कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए बोल रही हूँ, जहां से भी पढ़ा है आपने ये कौन से वाले उसका पार्ट है, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है आपका कीटो इनोल, करके जाना. मैं सच बोल रही हूँ, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस साल, ठीक है. ये तो मैंने एक दो एग्जाम्पल कराए हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है. अब हमसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा और आगे लेके चलती हूँ आपको. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो वो तीन आपको कंपाउंड दे रहा है और वो पूछ रहा है स्टेबल, ठीक है. तो एक तो क्वेश्चन बनता है, लिख लो, एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कीटो एनोल टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन बनता है स्टेबिलिटी वाला. तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आपको कुछ फॉर्म दे देंगे, पूछेंगे बताओ भाई इनोल कंटेंट किसमें ज्यादा है, मतलब जो इनोल वाली फॉर्म है वो किसमें ज्यादा स्टेबल है. जैसे इसमें मैंने बताया, इसमें मैं बोलूंगी और आप बोलोगे मैम इनोल वाला ज्यादा परसेंटेज में मिलेगा और कीटो वाला नहीं मिलेगा, रीजन एरोमेटिक बन रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आपको मैं कुछ कुछ बातें लिखवा रही हूँ, वो लिखो जल्दी से अपनी नोटबुक, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ. लिखो एक बार, इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखना एक बार बेटा, इनोल, एक मिनट मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, लिखो बेटा इनोल कंटेंट, समझ गए ना, इनोल कंटेंट जब माइग्रेशन होगा हाइड्रोजन एटम का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोल. अगर इनोल स्टेबल है, सेकेंड एरोमेटिसिटी इन इनोल, मतलब जैसे अभी करवाया था. थर्ड लिखो कंजुकेशन इन इनोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनोल. किसी ने लिखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, लिखो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कीटो फॉर्म. समझाओ इसको क्या लिख दिया. अगर तुम इनोल फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा उसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा. अगर मान लो एरोमेटिक बन रहा है आफ्टर इनोल बनाने के बाद तो भी वो इनोल कंटेंट ज्यादा होगा. अगर इनोल बनाते वक्त कंजुकेशन हो रही है तो ज्यादा स्टेबल होगा. इनोल बनाते वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा. दूसरा, अगर कीटो फॉर्म जो आप कीटो से इनोल में जाते हो, अगर कीटो में जो आपका हाइड्रोजन अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक है तो फटाफट वो इनोल फॉर्म में बनना चाहेगा तो वो ज्यादा इनोल कंटेंट होगा. क्लियर हुई ये वाली चीज? हुई? यस मैम. हो गई? चलो बहुत बढ़िया. अब इस क्वेश्चन पे आए थोड़ा सा हम, देखो चलो इस क्वेश्चन पे आती हूँ. सबसे पहले देखो थर्ड वाला नजर मारना एक बार. ये बेसिकली ना इस तरीके से था, लिख देती हूँ मैं, ये देखो एक मिनट. ये देखो, ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, इधर ध्यान से देखो. ये जो डाई कीटो वाली फॉर्म है अपनी, इधर देखो, इसमें ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा बेटा, क्योंकि इसका H प्लस निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो दोनों तरफ रेजोनेंस में जाएगा ना. ध्यान से सोचो, नजर मारो. लेकिन जो ये वाला H है वो ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, है ना. चलो, तो इन्होंने क्या किया, एक तो ये फॉर्म निकाल दी, मतलब बना दी इनोल फॉर्म. तो देखो ये वाली फॉर्म स्टेबल है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. तो अगर मैं आपसे इन दोनों में पूछूं कि ये वाली कीटो फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा है या इनोल फॉर्म वाला का ज्यादा परसेंटेज है, तो आप बोलोगे इनोल वाले का ज्यादा परसेंटेज है इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने ये पॉइंट बताया तुम्हें. तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो गया सेकेंड वाले से. क्लियर है? क्लियर है? अगर तुम मान लो ये वाला एच निकाल देते हो तो ये वाली फॉर्म क्रिएट हो जाएगी. इधर नजर मारो, आओ इधर, ये वाली. अब तुमसे मैं पूछ रही हूँ वाली फॉर्म स्टेबल है या कीटो वाली फॉर्म स्टेबल है, मतलब कौन सी है बताओ, कीटो वाली.
हाँ ये ना कीटो वाली ज्यादा स्टेबल है ना, इधर देखो क्योंकि ये वाला एच एसिडिक ही नहीं है, आप इसको कैसे निकाल रहे हो, ये वाला निकलना चाहेगा तो इसमें कीटो वाले का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड के बाद आपका सेकंड आएगा, सेकंड के बाद तुम्हारा क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। ठीक है, इसमें आपने कौन सा वाला एच एसिडिक माना, वो जो ये वाला बेटा, क्योंकि जो एच निकालोगे ना यहाँ से जो अनायन, इसमें नहीं मैम, ऊपर वाले में जो पहला वाला है, मान लिया तुमने बोला ऊपर वाला, भी हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में चलो मैं ऊपर वाले में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन पहला स्टेप क्या होता है तुम्हारा, एसिडिक एच को निकालना। ये वाला जो एसिडिक एच है वो नहीं है इतना ज्यादा ना, क्योंकि ये एक ही कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में जाएगा, जबकि जो मिडल वाला है वो दोनों के साथ घूमेगा रेजोनेंस में। समझेगा कि नहीं समझेगा, पहले वाले में नहीं बन रहा ना क्योंकि उसमें, हाँ पहले वाला बन जाएगा, बट अगर इफ आई एम कंपेयरिंग बिटवीन दिस फॉर्म सेकंड वाली और फर्स्ट वाली, जो सेकंड वाले की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, समझे, बोलो जल्दी मैम। लेकिन एक बात इसमें नहीं समझ में आ रही कि आपने जैसे थर्ड सेकंड वाले में जो एज वाला हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है, फर्स्ट वाले में वो है क्या एसिडिक? देखो मैं बताती हूँ, एक काम करती हूँ, इसको इरेज कर दूँ, ये ब्लू वाला जो लिखा हुआ है। यस मैम, वो लिख लिया, चलो नजर मारो फिर आ जाए। देखो मैं ये वाली फॉर्म ना एक बार दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, ये देखो ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, चलो अब तुम्हें बनानी है इनोल फॉर्म रुचि। ठीक है, अब इनोल फॉर्म बनाने के लिए तुम हाइड्रोजन निकालोगी ना। यस मैम। अब कौन सा निकालोगी, तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, या तो तुम ए वाला निकालो या तुम बी वाला निकालो। तो तुम कौन से वाला निकालोगे, ये वाला, क्योंकि जब तुम इसको निकालोगी ना तुम्हारे पास ये वाला कार्बन आयन बनेगा, ये देखो ये वाला, ये वाला। यस मैम। तो ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे, अब ये मत बोला मैम ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल है, यहाँ वो दिमाग मत चलाना क्योंकि यहाँ पे रेजोनेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है और अपना यहाँ पे भी, तो दिस वन इज मोर एसिडिक। यस मैम। ठीक है, तो जो इसका इनोल कंटेंट बनता है वो ज्यादा परसेंटेज में होता है कीटो वाले से, इसलिए मैंने बोला थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड वाला। यस मैम, वो समझ आ गया। अब मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो फर्स्ट वाले में इन्होंने ये वाला हाइड्रोजन निकाला हुआ, ये वाला इतना एसिडिक नहीं है, अगर तुम बना भी दोगे स्टिल कीटो वाले फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होगा। ओके मैम, अब समझ में आ गया। ठीक है, हमने इसमें से बनाया है उसे, इसलिए हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं, एक बार जब तुम हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हो उसका, एक बार यहाँ से निकालते हो और एक बार कीटो फॉर्म, इन तीनों का कंपैरिजन करके हमने स्टेबिलिटी बनानी है। चलो ठीक है, और एक लिख भी सकते हो यहाँ पे, एक और चीज मैं बता देती हूँ, तुम लिखो, लिख लो एक बार कि जो डाई कीटो वाली फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, लिख लो बेटा, इनोल कंटेंट का ऑर्डर लिखो, ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। ठीक है, जो डाई कीटो में इनोल वाली बनता है, इनोल कंटेंट वो ज्यादा स्टेबल होता है, फिर लिखो कीटो एस्टर में, फिर लास्ट में होता है मोनो कीटो। समझे, ये बना के दिखाऊं क्या इनका स्ट्रक्चर, डाई कीटो में ये मैं बात कर रही हूं बेटा, जैसे ये होता है ना, ये एस्टर हो गया ना ये, और इसमें ये सिंपल। ठीक है, और मोनो कीटो में एसीटोन एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ये याद रखना, काम आएगा जिंदगी में। चलो नेक्स्ट मूव करो 17 वाला, ट्रांसब्यूटीन को जब रिएक्ट करोगे Br2 के साथ। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में चांसेस कम है, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ सॉलिड वाली, कभी गलती नहीं करोगे। इरेज कर दिया, ओ सॉरी, लिख लिया ये सब, इरेज करूं क्या? Yes, चलो मैम इसका आंसर तो टिक लगा दो, उसमें थर्ड होगा ना। किसमें बेटा? 16 वाले में थर्ड आ रहा है, सबसे पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर वन। हाँ ठीक है, चलो ट्रांसब्यूटीन, एक काम करो, लिखना अपनी नोटबुक में कार्टम, CARTAM लिखना, ये मैं इरेज करूं बेटा, स्पेस नहीं है ना, मुझे लग रहा था कि ये 40 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, मतलब हो जाएगा क्लास, लेकिन ये आइसोमेरिज्म टॉपिक ही ऐसा टाइम खा जाता है। चलो लिखना एक बार कार्टम, यही बातें हैं ऑर्गेनिक में जो थोड़ी सी ध्यान रखनी है, कार टम लिख लिया। अब तुम्हें टैम बोलना, तुम टैम बोलो, मैं तो टम बोलती हूँ, कार टम। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या है मैम, देखो
आपको पता है जब एल्कीन में आप ब्रोमीन का एडिशन कराते हो तो वो एंटी एडिशन होता है, ये मालूम होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे सी फोर सिस, अगर आप सिस में ब्रोमीन का एंटी एडिशन कराते हो तो उस केस में तुम्हें क्या मिलता है बेटा, रेसिनिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। अगर तुम ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन कराते हो तो तुम्हें मीजोफॉर्म मिलती है। बताओ हो गया क्वेश्चन, तुम्हें कुछ नहीं करना, बना के नहीं देखना पेपर में, डायरेक्ट लगा के आओ मीजो, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मान लो सिस में सिन एडिशन होगा, अब सिन एडिशन कौन करता है, अपना H2 करता है ना, तो सिस में सिन एडिशन होगा तो मीजो बनेगा, ट्रांस में सिस एडिशन होगा तो रेसमिक बनेगा। अगर तुम्हें ये याद है तो इसका उल्टा वाला भी कर लोगे, ठीक है। हां जी अगर जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये पेपर में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट एम्स 2013 में आया तो मैंने डाल दिया क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। चलो मैम कॉन्सेप्ट बता दो थोड़ा सा, बाय चांस एक भूल गए तो। नहीं 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 ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना, एक पेज भर दोगे तुम उसको बनाने में, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, जैसे आप ट्रांस ट्यूबुटीन बनाओगे ना उसमें Br2 का एडिशन कराओगे, ठीक है, तो पहले आपका बनेगा साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन, फिर पीछे से अटैक कराओगे ब्रोमीन का, तो वो जो फॉर्म बनेगा ना उसको बना के देखोगे, जब आप बना के देखोगे देन आप रिलेशन निकाल पाओगे तो मीजो है कि आपका रेसिमिक है, और ये खाएगा 10 मिनट। और अगर मान लो ट्रिक भूल गए छोड़ के आ जाना क्वेश्चन को, क्योंकि 10 मिनट अफोर्ड नहीं कर सकते पेपर में हम, ठीक है। तो जिसको ट्रिक पूरा पेपर हो गया और आधा घंटा बचा है उसके लिए तो सही है ना फिर, ठीक है, लास्ट में रुक जाना मैं उससे भी समझा दूंगी, ठीक है। हाँ, अगर किसी को मान लो कॉन्सेप्ट इसके पीछे सीखना है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है, आ जाओ इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग बायफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, देखो एक बार आया था 2016 में, उससे पहले ना उसके बाद कभी नहीं आया, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो अगर मान लो बेटा तुम्हारे पास इस तरीके से बायफिनाइल रिंग है, आपको एक चीज चेक करनी है कि ऑर्थो पोजीशन पे दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, बल्की वाले, जैसे ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन मत लेना, जैसे मिथाइल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारे देखो ऑर्थो पोजीशन पे दो बल्की ग्रुप है, कंडीशन वही होंगे, दीज टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट, तो जैसे ही बेटा बड़े बड़े ग्रुप लगाओगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। इधर देखना, इधर ऑप्टिकली एक्टिव आप कब बोलोगे किसी मॉलिक्यूल को, जब उसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास ना हो, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, तभी बोलोगे उसको ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ या ना, ठीक है। देखो अभी ये रिंग ना ऐसे प्लेन में है, ठीक है, आपने इनके ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप लगा दी, ठीक है, अब दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये जो पहले प्लेन में थी, जब मजे से रेजोनेंस हो रहा था उसमें, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, प्लेन में होना चाहिए, जैसे ही रिपल्शन है ये आउट ऑफ प्लेन चली गई, लाइक दिस, दिख रहा है, आउट ऑफ प्लेन चली गई। अब आउट ऑफ प्लेन चली गई तो मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, मतलब प्लेन पास यहाँ से नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट हो जाएगी। और अगर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट हो गई तो तुम बोल सकते हो ये कायरल है, ठीक है। चलो इस कॉन्सेप्ट को मैं इस पे लगाती हूँ, इधर आना, नजर मारो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच है, मैं ऑर्थो की बात कर रही हूँ, कंडीशन होती है बायफिनाइल होते हैं, एलीन सिस्टम होते हैं, स्पाइरो सिस्टम होते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, छोटू छोटू है, इनके बीच तो क्या है, रिपल्शन, भाई क्या है रिपल्शन, तो ये प्लेन में ही रहेंगे, यहाँ से प्लेन पास हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस पे नजर मारो, इधर आओ, यहाँ पे देखो आयोडीन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हमने कहा टू ग्रुप शुड बी बल्की, या फिर ऐसा ग्रुप लो जो बहुत ही ज्यादा बल्की हो, कि हाइड्रोजन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता, सल्फोनिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है ना, SO3H वाला, वो बहुत बल्की होता है, ठीक है। अभी के लिए जो मैं बता रही हूँ उतना ध्यान रखो कि टू ग्रुप जो होने चाहिए ऑर्थो पे वो बल्की होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग गए हैं तो प्लेन पास हो जाएगा यहाँ से POS, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ पे देखो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, सेम ग्रुप लगा दिए तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर है, आ जाओ जल्दी। अब 19 पे नजर मारो, 19 क्वेश्चन पे, बस 4-5 मिनट और लूंगी, हाँ 19 क्वेश्चन,
हो जाएगा ये सेकंड होगा, एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा इन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगी और क्योंकि कोई रोशन स्ट्रेन नहीं है इसमें। देखो 20 में ये वैसे कार्बोहाइड्रेट से आया क्वेश्चन तो था। मैम ये बहुत अजीब क्वेश्चन था, ये नहीं हो रहा। देखो ऐसे करना, आज के बाद अजीब नहीं लगेगा। मैं कहूंगी मैम ये नाम तो कहां कहां पे, ये वाले नाम है थायरोज, ये उसमें पढ़ते हो ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बायो मॉलिक्यूल में पढ़ते हो ना। मैम उसमें पेंटोज वगैरह होता है इसमें। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ। देखो वैसे तो ना आइसोमेरिज्म में पढ़ा दिया जाता है, वहां पे भी पढ़ाते हैं। इधर देखो, जब ये जो होता है ना रीथ्रेज होता है, पहले तो ये डिसाइड करो कौन सा डी है कौन सा एल है। ये डी है, ये भी डी है, ये एल है, ये एल है। ये तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को? डी डी एल डी डी एल एल, यानी कि ऑप्शन या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये अप्लाई किस पे होता है, जो ये राइट रोज और जो थ्री रोज वाली फॉर्म होती है ना, वो अप्लाई होती है ओनली, एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर टू कायरल कार्बन एटम। अगर बेटा दो कायरल कार्बन एटम पे दो ग्रुप सेम साइड पे है तो उसको हम बोलते हैं रिथ्रियो फॉर्म, और दो डिफरेंट साइड पे अपोजिट साइड पे तो उसको हम बोलते हैं बेटा थ्रियो फॉर्म। ओके मैम, बस यही इतनी सी बात थी मैम, इतना दिमाग खराब हो रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है, ये छोटी सी बात थी। चलो चलो आगे। ओके, सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन करनी है भाई, सिखाई थी बनानी मैम, पता नहीं सदियों पहले सिखाई थी, अब तो हम भूल गए हैं। देखो बहुत पहले बताया था मैम आपने। हाँ, उसको फिर रिवाइज करने का किसका काम है? ठीक है, चलो अब क्या काम करना है आपको, नीचे से पकड़ लो इसको, ये है ना नीचे वाला, इसको पकड़ लो, इसको नीचे की तरफ लगा दो, जैसा दिख रहा है ना वैसे ही लगाना है। एच लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लगा दो। ओ एच राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लगा दो। ठीक है, क्योंकि फिशर फॉर्म इक्लिप्स्ड फॉर्म में होती है, तो उससे जो आप सो हॉर्स बनाओगे वो भी इक्लिप्स्ड होगा। ये देखो ऊपर है, यहाँ पे देखो ना, ये सी एच थ्री, आपको ऐसे नीचे ही लगाना पड़ेगा प्लेन में। ठीक है, और ये एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये ओ एच यहाँ पे। ठीक है, अब नजर मार लो भाई कौन सी फॉर्म है। देखो इधर, ये वाली तो सेम है ना, ये वाला, इसको कैसे बनाएं, इसको देखो 180 डिग्री से कर दो, इसको नीचे ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ, यही बन जाएगा। यस मैम, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और बना के देखोगे नहीं बनेगा ये वाला क्वेश्चन बच्चे, ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें मैं आपको बता देती हूँ आंसर, वैसे इसका ये है, इधर देखो, ये तो तुम अच्छे से कर लोगे ना, फर्स्ट में तो निकाल लोगे आर आएगा ये ऐसा आएगा, सेकंड वाले में भी निकाल लोगे आर आएगा ये ऐसा आएगा, जो भी आएगा एच वेज पे चेंज कर देना। इसमें देखो, इसमें 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 गलती कर दोगे आप, क्योंकि इसमें एच किस में बेटा, प्लेन में। तो जब प्लेन में होता, लिखो लिखो, व्हेन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन प्लेन, देन देन टू इंटरचेंजेस रिक्वायर्ड। ठीक है, दो इंटरचेंज करना पड़ेगा, पहले नंबरिंग कर दो बेटा इसको। ये रूल होते हैं आरएस निकालने के, अगर पढ़े हैं तो आपने कभी। देखो इधर कर दिया मैंने ये, अब देखो कैसे इंटरचेंज करोगे, इधर आना बेटा। ये देखो, आपको एच किस पे चाहिए, डैश पे चाहिए ना, तो आप क्या करो, ये वाला ओ एच वाला और ये एच वाला इंटरचेंज मार दो, और ये वाला इंटरचेंज मार दो। दिख गया? तो OH पहले किस पे था, डैश पे था, अब H आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे C2H5। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, RS निकाल के आ जाना। ठीक है, और पता चल जाएगा सेकंड और थर्ड एनेंशियोमर होंगे, मतलब अगर सेकंड वाले में R आ रहा होगा तो थर्ड वाले में ऐसा आ रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? मैं बता भी देती हूँ, अगर किसी ने सोल्व किया तो प्लीज मुझे बता दो क्या निकल के आया। यस मैम, 4 ही आया। ठीक है, हाँ फोर्थ आ रहा है। ठीक है, 23 करो बेटा, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए, हाँ तो बेटा जो भी कन्फर्मेशंस होती है ना रूम टेम्परेचर पे, इतनी फास्ट रोटेशन होती है, इधर आना, इधर आओ, उतरो। मान लो ये कार्बन सिंगल बोन कार्बन है, देखो ना बहुत फास्ट रोटेशन है, यू कांट डिफरेंशिएट विच वन इज इक्लिप्स्ड फॉर्म, विच वन इज स्टेगर्ड, विच वन इज गोशे, है ना, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, आप कर ही नहीं सकते सेपरेट। इक्लिप्स में टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, यस मैम, रिपल्शन होता है उसमें।
इथेन एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये भी ठीक है. एनर्जी डिफरेंस, हाँ मैम कुछ तो होता है. अब आप कहोगे मैम ये क्या वैल्यू याद रखनी पड़ेगी? नहीं, याद नहीं करना, आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है बेटा. 24 करो. मैम सेम रहते हैं इसमें दोनों. मैम सी देखो, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, जब तुम कोई भी फॉर्म बनाते हो तो घुमाते हो ना, तो डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है, बट बोन एंगल एंड बोन लेंथ रिमेन सेम. सेम. नेक्स्ट वाला भी वही होगा, बता दिया था ना अभी. इसमें एक कायरल कार्बन है, ये जी आई एग्जिबिट करेगा. इसमें 4 हो जाएगा फिर. आई थिंक है ना, ठीक है. तो ये आंसर की मैंने दे दी थी आपको. अब आपको एम्स वगैरह के करने के इसमें जरूरत नहीं है, आप अपने प्रीवियस ईयर लगाना. और ये तुम्हारे लिए कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे. और थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए. अभी रमेश सर आपको कुछ बताने वाले हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं भी सुन लूंगी. ठीक है रमेश सर